हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको वेजिटेबल उपमा बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से बनता है ये। ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा ऑप्शन है। समथिंग 15 मिनट्स में बन जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये बहुत ही हेल्दी रहता है और टेस्टी भी होता है। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के आप टिफ़िन में भी ये बना सकते हैं। ये टिफ़िन के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने आधी कटोरी सूजी ली है, रवा जिसे रवा भी कहते हैं, एक चॉप किया हुआ ओनियन है, कैरेट, गाजर चॉप किया हुआ आलू एंड चॉप किया हुआ ये टमाटर, और हरी मिर्ची ली है चॉप कर लिए बारीक, हरा धनिया है चॉप किया हुआ, एक नींबू लिया है और थोड़े से करी लीव्स लिए हैं, और इसमें ऑयल, नमक, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्ची, हल्दी, राई, जीरा एंड घी, और गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स में काजू लिए हैं। आप और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अदर्स ड्राई फ्रूट्स, किशमिश एंड मूंगफली, और इसके लिए पानी चाहिएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। अब इसमें ऑयल डालेंगे, एक चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें एक छोटा चम्मच घी डाल देंगे। मैं इसमें ऑयल और घी दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। आप चाहे तो प्योर ऑयल में बना सकते हैं या घी में बना सकते हैं। अभी गरम होने देंगे। गरम होने के बाद में इसमें करी पत्ता, राई, जीरा डाल देंगे। गरम हो चुका है, अब इसमें राई, जीरा, करी पत्ता, मीडियम फ्लेम में रखना है। अब इसमें प्याज और आलू साथ में डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे हैं। देखिए ऐसे मिला देंगे। अब इसे पकने देंगे जब तक प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाए। ब्राउन नहीं करने हैं प्याज। 2-3 मिनट तक गैस पकने देंगे। गैस ऑन रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए थोड़ा कलर चेंज होने लग गया है। अब इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। मिनट तक ऐसे हिलाते रहेंगे। अब इसमें कैरेट डाल देंगे। मेरे पास कैरेट थी तो मैंने डाल दिए। इसकी जगह आप और भी कोई सब्जी यूज में ले सकते हैं, जैसे शिमला मिर्ची ले लीजिए, फ्लावर ले लीजिए, ऐसे कोई भी सब्जी आप अपने इच्छा से डाल सकते हैं जो स्पाइसी नहीं बने। बस इसे 2-3 मिनट तक रहने देंगे। अब इसमें मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली डाल दी है। आप चाहे तो इसे रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। देखिए मूंगफली का भी कलर चेंज हो गया है। ये इसी में ना पक गई है, फ्राई हो गई है मूंगफली। अब इसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्ची डाल देंगे। हल्दी, नमक, काली मिर्ची हिला लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे रखना है गैस आपको।
एक मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे, पकने देंगे। पक चुकी है, अब इसमें सूजी डाल देंगे। हिला लेंगे, मैंने सूजी पहले कुछ भी फ्राई नहीं की है या सेका नहीं है सूजी को, इसी में ही हो जाएगा, अलग से करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे, हिलाते रहेंगे, चिपके नहीं, जले नहीं। देखिए सूजी पक चुकी है, अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी ये सूजी का 3 गुना लेना है। अब इसे पकने देंगे। अब गैस की फ्लेम तेज कर सकते हैं और थोड़ा हिलाते रहेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देखिए अब बॉईल होने लग गया है। अब इसमें टमाटर और जो चॉप किया हुआ है और किशमिश डाल देंगे। फ्लेम मीडियम कर देंगे। किशमिश, बच्चे ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं तो आप इसमें ऐड करके उन्हें खिला सकते हैं। अब इसे पकने देंगे, 2-3 मिनट्स में आपकी उपमा रेडी हो जाएगी। अब देखिए अब उपमा बनके रेडी हो चुकी है। अब इसमें हरे धनिया डाल देंगे, मिला लेंगे। अब इसमें आधा नींबू डाल देंगे, नींबू का रस आधा ले रही हूँ मैं। आप चाहे तो एक पूरा नींबू का रस भी ले सकते हैं, जितना खट्टा खाना पसंद करें उस अकॉर्डिंग। मैं आधा नींबू का रस डालूँगी। लेमन जूस, इसे मिला लेंगे अच्छे से। अभी आपकी उपमा रेडी है, अब आप इसे सर्व करके टेस्टी नाश्ता करें। सर्व कर देती हूँ उपमा। ये उपमा रेडी है, सर्व कर दिए मैंने। आप चाहे तो इसे ऐसे कर सकते हैं या इसको और अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर ऐसे प्लेट में डाल के भी कर सकते हैं। अभी इसे काजू से डेकोरेट कर देंगे। ये आपकी उपमा रेडी है, प्लीज़ फ्रेंड्स खाइए और खिलाइए। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।